आज का एपिसोड शुरू होता है जब रूही कैंप के उस हिस्से में वापस आती है जहां उपहार और ट्रॉफियां रखी जाती है और गुस्से में सब कुछ जमीन पर बिखेर देती है और एक या दो चीजों को तोड़ देती है। थोड़ी देर के बाद हर कोई उस जगह पर लौटता है और उस जगह की हालत देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि ऐसा घटिया काम कौन कर सकता है। इस बीच अक्षरा रूही का चेहरा देखती है और सोचती है कि अगर रूही ने गुस्से में यह सब किया है तो उसे अभिमन्यु से बात करनी होगी। थोड़ी देर बाद अक्षरा अभिमन्यु से अकेले में भिड़ जाती है और उसे बताती है कि उसे कुछ दिनों पहले ही अभीर के बारे में पता चला है, इसलिए उसे अभीर के आसपास पागलों की तरह काम करना बंद कर देना चाहिए। अभिमन्यु अक्षरा से बहस करने ही वाला होता है कि मंजरी की आवाज़ उन दोनों को फ्रीज कर देती है, जबकि मंजरी चौंक कर उन्हें देखती है। क्या मंजरी अभीर को परिवार में वापस लाने की मांग करेगी? क्या अक्षरा मंजरी को उस स्थिति के लिए दोषी ठहराएंगी जिसमें वे खुद को पाते हैं?